अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो ना? अरे वाह, राजा भैया आए हैं। आज कौन सी दास्तान लेके आए हैं? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। आज तो मैं बड़ी दूर की दास्तान लेकर आया हूँ। दूर की दास्तान? हाँ जी, जापान की। जापान की? हाँ, ये कहानी है जापान के एक बहादुर जंगजू फुजीवारा हाइडेसुटू की, जो कि चावलों के आका के नाम से भी जाने जाते थे। आखिर इनका ये नाम कैसे पड़ा, ये एक दिलचस्प किस्सा है, तो सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये कहानी है बहुत अरसा पुराने एक जापानी जंगजू फुजीवारा हाइडेसुटू की, जो कि जापान की फौज का एक बेहतरीन जंगजू कहलाता था। वो अपने घर वालों के साथ एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा था कि एक दिन वो मुहिमजुई की तलाश में निकला, क्योंकि उसकी फितरत एक जंगजू की थी और वो बेकार रहने का मुतहम्मिल नहीं था। चुनाचे उसने अपनी तलवारें ली, अपनी कमान संभाली, पीठ पर अपने तीर लिए और निकल पड़ा चलने एक नई मुहिम के लिए। वो बेवा नदी के एक सिरे पर फैले सीटानू काराशी के पुल पर पहुंचा, तो जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा तो उसने देखा उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा है। उसने पुल को ये पार करने का रास्ता रोका हुआ है। पहले तो हेडेसुटू अपने रास्ते में पड़े इस खौफनाक रेंगने वाले जानवर को देखकर घबराया, क्योंकि या तो इसे पार करके उसके आगे जाना होगा या फिर इसे अपना रास्ता बदल के वापस जाना होगा। लेकिन चूंकि वो एक बहादुर जंगजू था, तो अपने तमाम खौफ को एक तरफ रख कर उसने आगे जाने का फैसला किया और ड्रैगन के ऊपर से पार होकर आगे बढ़ गया। अभी वो चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे अपने पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर उस ड्रैगन के अलावा और कोई नहीं मौजूद था। फिर उसने जब गौर से देखा तो उस ड्रैगन के सर पर एक अदद चमकीला ताज मौजूद था, जो पहले उसके सर पर मौजूद नहीं था। इसने सोचा, हो ना हो मुझे ये आवाज़ इसी ड्रैगन ने लगाई है, और ये ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं लगता है। ये सोचते हुए वो उस ड्रैगन के पास पहुंचा और उससे मुखातिब हुआ। क्या आपने मुझे अभी पुकारा था? जैसे ही उसने ये पूछा तो फौरन से ड्रैगन का जवाब आया, जी हाँ, मैंने ही आपको पुकारा था। हेडेसुटू पहले तो हैरान हुआ, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार एक बोलता ड्रैगन देखा था। लेकिन उसने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए दोबारा उससे मुखातिब किया कि जी आपने मुझे क्यों पुकारा था। तो उसके जवाब में उस ड्रैगन ने कहा, मुझे एक काम में आपकी अशद मदद की ज़रूरत है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हेडेसुटू ने फौरन जवाब दिया, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये तो बताएं कि आप कौन हैं और किस काम में मेरी मदद चाहते हैं। मैं इस झील का ड्रैगन किंग हूँ। इस पुल के नीचे मैं और मेरे लोग सदियों से रह रहे हैं। हेडेसुटू ने ये सुनते ही कहा, तो फिर आप कौन से काम में मेरी मदद चाहते हैं, जबकि आप खुद बजाते एक बादशाह हैं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे फानी दुश्मन सेंटीपेड को मार डालो, जो कि पहाड़ी में रहता है। ड्रैगन किंग ने ये कहते हुए झील के आगे एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ अपने रियाया के साथ सदियों से रह रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसा पहले इस उफ्रियत कान खजूरे को हमारे घर का पता चल गया, और जब से वो आए दिन आकर मेरे घर पर हमला करता है और किसी न किसी को लेकर चला जाता है। मैं इनको बचाने की ताकत नहीं रखता। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मेरे सारे लोक में खो दूंगा और खुद भी इस उफ्रियत का शिकार हो जाऊंगा। मैं बहुत परेशान हूं, इसीलिए मैंने किसी इंसान से मदद लेने का फैसला किया। इस इरादे के साथ मैं कई दिन से इस पुल पर बैठा इंतज़ार करता रहा था कि जो कोई मुझे देखकर भी इस पुल को पार करने की हिम्मत कर सकेगा, वही इंसान मेरी मदद भी कर सकेगा, और ऐसा हौसला मैंने सिर्फ आप में देखा। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने उसे ख़त्म करने के लिए अपनी तमाम तर ताकतें इस्तेमाल की, लेकिन मैं उसे ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है कि आपकी मदद से मैं उसे ख़त्म कर दूं, तो क्या आप मेरा साथ देंगे?
हैडी साटू को ड्रैगन किंग की कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ और उसने उसी वक्त ड्रैगन किंग और इसके लोगों की मदद करने का फैसला करते हुए हामी भर ली। हैडी साटू ड्रैगन किंग की मदद से उस खतरनाक कन खजूरे के ठिकाने पर पहुंचा, जो कि झील की दूसरी तरफ पहाड़ी में मौजूद था। वहां पहुंचकर उसने जब उस कन खजूरे को देखा तो वो एक मिनट के लिए बौखला गया, क्योंकि वो पहाड़ की तरह बड़ा, लंबा और चौड़ा और एक पहाड़ी के ऊपर सो रहा था और उसके नाक से बड़े बड़े धुएं निकल रहे थे। हैडी साटू ने सोचा कि ये अभी सोया है और यही सही मौका है इसको खत्म करने का। ये सोचते हुए उसने फौरन से अपना तीर निकाला, कमान पे बांधा और निशाना उसके दिल का लगाते हुए फौरन से तीर छोड़ दिया। लेकिन ये क्या, तीर उसे लग के फौरन नीचे गिर गया और उसे कोई खराश तक नहीं आई, यहाँ तक कि उसकी नींद तक ना टूटी। हैडी साटू थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर उसने दोबारा अपना तीर निकाला, दोबारा से निशाना लगाया और दोबारा उसे छोड़ा, लेकिन दूसरी बार भी तीर इसी तरह ज़ाया हो गया। ऐसे करते करते हैडी साटू के सारे तीर ज़ाया हो गए और सिर्फ एक ही तीर रह गया। ड्रैगन किंग और हैडी साटू अब दोनों परेशान थे कि आया इस उफ्रियत को खत्म करने में वो लोग कामयाब हो सकेंगे या नहीं। कि अचानक से इसे एक बात याद आई कि उफ्रियत कन खजूरा इंसान की थूक लगे हथियार से ही मर सकता है। हैडी साटू ने फौरन से अपना आखिरी तीर निकाला, उस पर अपनी थूक लगाई और उसके दिल का निशाना लगाते हुए उसे छोड़ दिया और वो तीर सीधा उसके दिल में जाके पैवस्त हो गया। जैसे ही तीर लगा, खून का एक फुव्वारा छूटा और वो उफ्रियत कन खजूरा वहीं पर गिर के तड़प तड़प के मर गया और खाक में तब्दील हो गया। ड्रैगन किंग बहुत खुश हुआ और हैडी साटू का बहुत शुक्रिया अदा किया और हैडी साटू को लेकर वापस अपनी जगह पर पहुंचा। वहां पर ड्रैगन किंग और उसके लोगों ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और ड्रैगन किंग और क्वीन ने अपने महल में हैडी साटू को मेहमान नवाजी की पेशकश की और इनकी खूब मेहमान नवाजी की। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद हैडी साटू जब वापसी का इरादा करने लगे तो ड्रैगन किंग और क्वीन ने इन्हें मजीद रुकने पे इसरार किया, जिसे हैडी साटू ने रद्द करते हुए घर जाने का इरादा किया। तो ड्रैगन किंग और क्वीन ने इन्हें कुछ तहाइफ से नवाजा, जो कि हैडी साटू शुरू में नहीं ले रहे थे, लेकिन इतनी मोहब्बत और इसरार पर उन्होंने वो तोहफे कबूल कर लिए। ड्रैगन किंग बजाते खुद हैडी साटू को छोड़ने के लिए पुल तक आया। वहाँ पर हैडी साटू के घर वाले उनके अचानक इस तरह गायब और कोई भी खबर ना होने पर परेशान थे। तो हैडी साटू को जैसे ही वापसी में आते हुए देखा तो सब बहुत खुश हुए। हैडी साटू अपने घर में पहुंचकर सबको ये दास्तान सुनाई और जो तोहफे ड्रैगन किंग और क्वीन ने दिए थे वो दिखाए। ड्रैगन किंग ने जो तोहफे दिए थे उनमें थी दो अदद घंटियां, एक चावलों का थैला, एक सिल्क का रोल और एक बर्तन। बज़ाहिर तो ये तोहफे बहुत आम से नज़र आ रहे थे, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने पे हैडी साटू को पता चला कि ये सारे तोहफे जादुई हैं। उन तोहफों में मौजूद जो घंटियाँ थी, चूँकि हैडी साटू के वो काम की नहीं थी, तो हैडी साटू ने वो घंटियाँ वहाँ मौजूद गांव के मंदिर में वक्फ कर दी, जो हर गए घंटे में बजकर गाँव वालों को वक्त का पता बताती थी। चावल का थैला जो हैडी साटू को मिला था, वो चावल का थैला कोई आम चावल का थैला नहीं था। उसमें से चाहे आप जितने भी चावल निकाल लो, वो हमेशा वैसे का वैसा भरा रहता था। और जो खाने का बर्तन हैडी साटू को मिला था, वो भी कोई मामूली बर्तन नहीं था। हैडी साटू के जो भी कुछ पकाना होता वो उसमें डालता और वो खुद ब खुद तैयार हो जाता था। उसके लिए उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी और जायके में वो खाना इतना लजीज होता था कि उसका कोई सानी नहीं। और जो सिर्फ कपड़े का रोल मिला था, उसमें से चाहे जितना भी कपड़ा ले लो, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता था। इन जादुई तोहफों की वजह से हैडी साटू की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और वो वक्त के साथ अमीर होता गया, क्योंकि उसे अपने ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता था। चावलों के थैले की वजह से उसे कभी भी चावलों की कमी नहीं हुई। खाने के बर्तन में जो भी खाना हो वो खुद ब खुद तैयार हो जाता था और कपड़ों के लिए उसके पास बेहतरीन सिल्क मौजूद था। क्योंकि चावल के थैले का इस्तेमाल उसने अपनी ज़ात तक महदूद ना रखा, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी हमेशा खुला रखा, इसी वजह से वो उस ज़माने में चावलों वाले आका के नाम से मशहूर हो गया। और एक बार फिर
साबित हो गया कि किसी की मदद करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता और कभी भी किसी के साथ अच्छाई हमारी रायगा नहीं जाती। हाँ तो बताओ कैसी लगी आज की दास्तान? मजे की लगी ना? मजे की लगी तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मजीद मेरी मजे की कहानियाँ आप तक फौरन पहुँच सके। मैं फिर से आऊंगा एक नई दास्तान के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।